अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब देख रहे हैं रिहाना किचन। और आज रिहाना किचन में मम्मा हम सबको क्या बनाना सिखाएंगी, पूछते हैं मम्मा से। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको चिकन चिली बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह बनती है, ये इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये इसे किस तरह तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी आपने जो चिकन चिली देखी है उसकी मैं रेसिपी बताने लगी हूँ। ये 300 ग्राम मैंने मुर्गी का गोश्त लिया है, इस तरह मैंने बोटियाँ कर ली हैं छोटी छोटी, और 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने चीनी ली है, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, और 1 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टी स्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 छोटी मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको इस तरह काट लिया है, चौकोर में काटा है, और 4 मैंने दूसरी मिर्ची ली है, ग्रीन चिली ली है, और इसको इस तरह लंबे लंबे काट लिया, और 1 मैंने प्याज लिया दरमियाने साइज़ के, इसको भी इसी तरह काट लिया है। 1 गिलास हमने वाटर का लिया है, इसको हसब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले हम घी डालेंगे इसमें इस तरह, फिर गोश्त को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए, चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और फिर हम ये सब वेजिटेबल डाल के उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हम ये सारी वेजिटेबल डाल के इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा गलाएंगे। अगर यखनी डाल दें तो ज़्यादा जायका आएगा, अगर यखनी नहीं है तो पानी डाल दें। अब इसमें हम और पानी डालेंगे, जितना आपने इसका ग्रेवी तैयार करनी है उतना पानी डालना है। ये थोड़ी चीनी डाली हमने, 1/2 टी स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, सिरका, नमक, वाइट चिली पाउडर, इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। ये देखें, आप हमने चिकन डालनी है इसमें और थोड़ी देर इसको 1-30 सेकंड या 1 मिनट तक पकाना है उबाल आने के बाद। देखिए, कॉर्नफ्लोर हमें पानी डाल के हमने इसको इस तरह घोल लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि ये जमे ना इस तरह। और जितने ग्रेवी आपको चाहिए उतना डालें, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी नहीं गाढ़ी नहीं चाहिए तो इसको कम ही डालें। थोड़ा सा हम और डालते हैं, बस काफ़ी गाढ़ी हो गई, हम इतना ही डालेंगे। 3 टेबल स्पून में से ये हमारा बच गया कॉर्नफ्लोर, तो अब हम ये बस जितने हमारी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, हमने इतनी ही चाहिए हमें।
बस हमारा ये चिकन चिली तैयार है चाइनीज़ स्टाइल में। चिकन चिली तैयार है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं, इसलिए 1-2-30 सेकंड के लिए इसको ढक दिया हमने, दम में रख दिया है। अब डिश ला के इसको और डिश आउट करते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, इसको एग फ्राई राइस के साथ हमने डिश खाएंगे। बहुत मज़ा देते हैं एग फ्राई राइस और चिकन चिली। एग फ्राई राइस मैंने पहले आपको सिखाए हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। ये एग फ्राई राइस के साथ अगर चिकन चिली खाएं तो बहुत सेका देती है, वैसे तो आप किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। चिकन चिली रेडी है, आप इसको एग फ्राइड राइस के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।